किसी का फोन आया कि खेसारी लाल जी के साथ गाना नहीं गाना है। देखिए उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा भोजपुरी सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भोजपुरी समझती नहीं हूँ, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके मतलब मिस्टेक्स करूँ किसी भी गाने को समझ के, लेकिन डेफिनेटली आई विल वर्क विथ हिम, डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपका भोजपुरी बहुत अच्छा लगा, तो मैं भोजपुरी में कुछ और भी करूँगी, क्योंकि अभी एक सरप्राइज़ ये भी है जो भी हमें देख रहे हैं कि पवन भैया के साथ आने वाले वक्त में बहुत जल्दी और भी गाने आ रहे हैं मेरे और पवन भैया के, तो उसके लिए ज़रूर वेट कीजिए। एंड उसमें क्या है, हिंदी गाना है, हिंदी में बस हमने कहीं कहीं पर भोजपुरी का एक तड़का लगाया है कहीं पे, तो वो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, ये गाने भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिए। भोजपुरी वर्जन वन नंबर वन लगा, वाओ थैंक यू सो मच, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं ना, बारिश बन जाना भोजपुरी के लिए कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं अभी आगे और भी कुछ ऐसे गाने क्रिएट करूँगी जिसमें मैं पवन भैया से गवाऊँ ये गाने, क्योंकि आई पर्सनली लव्ड हिज वॉइस इन दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग ऑल्सो, कि जो रोमांटिक उन्होंने इतना अच्छा गाया है। एंड मुझे तो उनकी आवाज़ वैसे ही पसंद है, जब वो डांस ट्रैक गाते हैं तो भी इतना अच्छा गाते हैं, रोमांटिक भी बहुत अच्छा गाया उन्होंने, तो ऑफकोर्स मैं आगे अभी आप और भी सुनोगे अच्छे अच्छे गाने मेरे और पवन भैया के, सो बिल्कुल वेट कीजिए एंड इतना सारा प्यार देते रहिए प्लीज़ हमारे गानों को। अच्छा आपको पता है मुझे ना, जैसे मैं पोस्ट डालती हूँ तो कुछ लोग थे ना वो क्या लिख रहे थे कि मैडम इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप दूसरे गानों को प्रमोट कर रहे, पवन जी के गाने को नहीं कर रहे, ऐसा क्यों होगा भाई। देखिए अगर आपके घर में आपके अगर दो बच्चे हैं तो फिर आप दोनों बच्चों को प्यार करोगे ना, तो ये दोनों गाने तो मेरे ही है, चाहे वो दिल लौटा दो हो चाहे बारिश बन जाना हो, दोनों मेरे ही गाने, तो मैं दोनों ही प्रमोट करूँगी ना, ऑफकोर्स मैं क्यों ना करूँ, किस बात से ना करूँ। तो ऐसे बहुत लोगों को अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दें। जहाँ तक पोस्ट करने की बात है और वो तो वो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटिव बन के जब आता है हम लोग तभी पोस्ट कर सकते हैं। एंड सिंधी सॉन्ग मुझे बहुत सारे, अब मुझे रीजनल के लिए बहुत आ रहे, पता है सिंधी सॉन्ग के लिए भी आ रहा है, पश्तो भी आ गया एंड मलयालम भी आ गया। अब मैं ज़रूर गाऊंगी, मैं आप सबके लिए गाऊंगी ऑफ कोर्स, बस थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, एक बार ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो मैं ज़रूर करूँगी। किसी का फोन आया कि खेसारी लाल जी के साथ गाना नहीं गाना है। देखिए उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा भोजपुरी सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भोजपुरी समझती नहीं हूँ, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके मतलब मिस्टेक्स करूँ किसी भी गाने को समझ के, लेकिन डेफिनेटली आई विल वर्क विथ हिम, डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी। सो हेलो, लगता है मुझे बहुत लोग ना अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे 8 बजे का टाइम था तो मैं तो बिल्कुल आज टाइम पे आ गई हूँ, पिछली बार मैं आई रिमेंबर मैं हाफ एन आवर लेट थी। चलिए आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, मेरा गला थोड़ा आज ख़राब है, एज यू कैन सी खराश बहुत है गले में, बट ऑफकोर्स आप लोगों के लिए मैं वो गाना गा देती हूँ जो जिसके लिए मेरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आ रहा। जब हम बादल बन जाएब तू बारिश बन के आई हा, जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समय हा, रिम झिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसे हा, जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समय हा। इसमें पवन भैया की लाइंस थी, जैसे मैंने हिंदी वाला पोर्शन मेरा था, मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे फिर से लगे दिखने लगी, देखी ले जब जब तो हर चेहरा लागे की भगिया फिर से जगी, रहूं उम्र भर मैं तेरी तू मेरा,
जब हम बादल बन जाएब तू बारिश बन के आईहा, जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समईहा। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसईहा, जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समईहा। आई थिंक भोजपुरी मैंने पहली बार ऐसे लाइव गाया है, तो माफ कर देना अगर कहीं पे भी मैंने गलत गाया हो तो ज़रूर। और एक गाना और है, जस्ट मैं इसके बाद ही आपको सुनाना चाहूँगी। दिल लौटा दो जो सॉन्ग है, मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, एंड आप